पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची में शनिवार को लगातार दो धमाके हुए। इसमें अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, कई घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकाला जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीम के साथ पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद हैं। घायलों का इलाज जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल अस्पताल में किया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका कराची के शेरशाह इलाके के प्राचा चौक के पास दोपहर 1:30 पर हुआ। ब्लास्ट में एक निजी बैंक की बिल्डिंग ढा गई। इमारत का एक बड़ा हिस्सा नाले में समा गया। दूसरा ब्लास्ट रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हुआ, हालांकि इसकी क्षमता पुराने धमाके जितनी नहीं थी। धमाकों में बिल्डिंग के पास खड़े वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। जेसीबी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कराची साउथ जोन के DIG शर्जील खरल ने धमाके की वजह गैस लीक होने की संभावना जताई है। उन्होंने कहा कि धमाके में ढाने वाले बैंक की इमारत गैर कानूनी तौर से बनाई गई थी। नाले की सफाई कराने के लिए कई बार बैंक को बिल्डिंग खाली करने का नोटिस दिया गया था, लेकिन बैंक ने बिल्डिंग खाली नहीं की।